स्टूडेंट्स वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक काइनेटिक थ्योरी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की। काइनेटिक थ्योरी में जो आता है तो रिएक्शन का बहुत सारा थ्योरी होता है जिसके ऊपर डिपेंड करके रिएक्शन बनता है। एक तो थ्योरी हमने देख लिया वो है कॉलिशन थ्योरी, और एक थ्योरी आता है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वही ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अभी दो मॉलिक्यूल के बीच में जैसे रिएक्शन होता है इसके ऊपर डिपेंड करके ये दिया गया है। इसको दिया है आईडी एंड पॉलियानी। आईडी एंड पॉलियानी ये दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को डिस्क्राइब किया है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरी बनता कैसे है। पहले हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल है, एक है A2 जो डायटोमिक है और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है B2। ये दो रिएक्शन करेगा। ये दो रिएक्शन करके पहले एक स्टेट बनाएगा जो है ऐसे टाइप का। ये वाला स्टेट बनाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले था एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो था A और एक था डायटोमिक मॉलिक्यूल जो था B, वो दो रिएक्ट करके ये बनाया। इसको हम लोग बोलते हैं टीएस और ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, ये एक आर्बिट्रेरी स्टेट है, मतलब ये स्टेट को हम लोग ऐसे ऑब्स्क्योर नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला स्टेट में होता क्या है कि A के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और B के जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा, और उसके बाद A और B के अंदर बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन इस स्टेप में नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। तो इंटरमीडिएट स्टेप है ये ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है कि जिसमें बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड मेक, इन दोनों का जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो है ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, क्योंकि ये वेरी मच लेस स्टेबल है। हो गया। तो अभी ये वाला स्टेट बनता कैसे है, देखो पहले ये जो रिएक्शन है इसमें बॉन्ड को तो ब्रेक होना चाहिए और बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए तो कुछ मतलब कुछ एनर्जी का जरूरत है, इसलिए ये रिएक्शन हमेशा इंडोथर्मिक ही होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन में हीट बाहर से दिया जाता है। तो अभी होगा ये वाला स्टेप। तो ये वाला स्टेप बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, अभी हो गया ये वाला स्टेप। ये अभी क्या करेगा, ये दो मॉलिक्यूल ये भी फॉर्म करेगा। ये बहुत फास्ट स्टेप होगा क्योंकि इसमें तो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होगा, इसलिए ये स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। तो अभी फिर से एक बार इसको देखते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले दो मॉलिक्यूल लिया, एक है A2 और B2। उसके बाद इधर हम लोगों ने कुछ हीट वीट दिया, तो ये हीट देके ये पहले जो फॉर्म हो रहा है ये बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें
बॉन्ड का पार्शियली ब्रेकिंग होगा और बॉन्ड का पार्शियली मेकिंग भी होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट टीएस। और ये स्टेट हमेशा इंटरथर्मिक ही होता है। और अभी ये ब्रेक करके ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल लेगा, तो ये पूरा वाला स्टेट हो गया। तो ये जो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का किस्सा है, ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नॉर्मल रिएक्शन इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये इंडोथर्मिक मतलब ये इसका ये फर्स्ट स्टेप जब हमेशा इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसका एनर्जी ऐसे हम लोग अगर रिएक्शन पोटेंशियल के ऊपर में डिपेंड करके देखते हैं तो इसका एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा। ये होगा ट्रांजिशन स्टेट, ये होगा रिएक्टर और ये होगा प्रोडक्ट। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ये तो एंडोथर्मिक वाला है, अगर हम लोग एक्सोथर्मिक के लिए भी देखें तो भी मतलब पूरा रिएक्शन तो ऐसे है, मतलब ये वाला रिएक्शन में भी ये स्टेप एंडोथर्मिक ही होगा। तो अभी ट्रांजिशन स्टेट को देखने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एनर्जी देने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इसके बाद वो अपना एनर्जी डीएक्टिवेट करके मॉलिक्यूल देता है। और जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, वो सब एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो अभी हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा काइनेटिक्स देख सकते हैं। काइनेटिक्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल को और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं। लिखते हैं कि ये ए, ये है एक सिंगल एटम और ये है बी, ये वाला है और एक सिंगल एटम, वो दोनों रिएक्ट करके ए बी बनाएगा, ए बी हो गया ट्रांजिशन स्टेट। इसके अभी ये ब्रेक करके पूरा नया वाला कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी पहला स्टेप क्या आता है, ये रिएक्शन मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये क्यों इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि ये स्टेप तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कोई भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा रिएक्शन चलता ही रहता है, इसलिए एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इक्विलिब्रियम मतलब कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होगा, तो इसको हम लोग के स्टार के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी जब ये ब्रेक हो जाएगा वो बहुत एक फास्ट स्टेप होगा, उसको हम लोग के से डिपेंड करते हैं। तो ये वाला रिएक्शन का जो थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड करके किया जाता है। तो क्वांटम थ्योरी बेस्ड करके इसका जो रिएक्शन रेट है, इसको हम लोग के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होगा RT by NA H केस्टर। तो अभी हम लोगों ने ये वाला केस्टर क्या है, केस्टर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केस्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ये है A B स्टार, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन बाय A का कॉन्सेंट्रेशन B का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हम लोग अगर ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं तो हम लोग इसका रेट निकल सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, ये R है गैस कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर, ये है एवोगाड्रो नंबर एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो लेकिन चीज क्या है, हम लोग तो ये दोनों को जानते हैं लेकिन ये तो हम लोग ऐसे डिटरमिन नहीं कर सकते, इसलिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको काइनेटिक्स को जानने के लिए। तो क्या है, ये K तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और एक चीज जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आरटी एलए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू आरटी एलए के। तो अगर ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आर और टी का जैसा वैल्यू आता है और ये है गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये वाला रिएक्शन को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। ये है अभी इससे क्या बनता है, K इक्वल टू e टू द पावर
माइनस डेल्टा जी बाई आर टी। तो इसको हम लोग इधर पुट कर दिया, तो क्या आएगा आर टी बाई इन एज e टू दी पावर डेल्टा जी बाई आर टी। डेल्टा जी को हम लोग ऐसे डेल्टा जी स्टार्ट करके लिखते हैं, तो हो गया। अभी ये कैसे पता चला कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वैल्यू देके हम लोग इसको फ्री एनर्जी चेंज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो इधर डेल्टा एच क्या है, ये है एंथैल्पी, और डेल्टा एच क्या है एंट्रोपी। तो पूरा थर्मोडायनामिक टर्म्स है। तो अगर ये वाला रिएक्शन को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो कुछ चेंज तो आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। अभी नीचे लिखते हैं आर टी बाई इन एच ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच ठीक है। अभी इसको लिख दिया तो ये वाला आ गया एक वैल्यू जो रिएक्शन काइनेटिक्स और जो रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर जो कोरिलेशन है वो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फॉर्मूला से पता चल जाता है। तो अभी क्या है, इसको और एक बार लिखते हैं, ये है आरटी बाय एनएच ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एच स्टार बाय आरटी। अभी हम लोग इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, इसको ऐसे दे सकते हैं आरटी बाय एनएच ई टू द पावर, अगर ये ले लेते हैं कि ये बन जाता है टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच स्टार, सिर्फ हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा बाय आर टी। इसको हम लोग क्या करते हैं आर टी बाई एन एच ई टू द पावर, अभी इसको एक एक करके डिवाइड करते हैं, ये क्या बनेगा e टू दी पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर माइनस इन टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी। ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है कि रिएक्शन का काइनेटिक्स और रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड करके आता है। तो अभी ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन तो हम लोगों को जान पहचान वाला लग रहा है, पहले भी हम लोग एक रिएक्शन के बारे में जानते थे, वो है अर्हेनियस इक्वेशन। उसको हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे कि e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें एक था एडहेनियस कांस्टेंट, ये था ए, इसको बोलते हैं एडहेनियस कांस्टेंट, और अभी आता है ई, ये क्या है, ये है एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। तो एनर्जी फॉर एक्टिवेशन क्या होता था, पहले एनर्जी फॉर एक्टिवेशन होता था जो एनर्जी लगता है यहां से यहां जाने के लिए, मतलब अपना जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अभी ये वाला एक फॉर्म हो गया, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रिएक्शन है इसको मॉन और टू, ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
तो कंपेयर करके क्या मिलेगा, कंपेयर करते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट है एक पार्ट और ये जो है वो है आरटी का अलग पार्ट। तो अभी हम लोग ऐसे कैसे करते हैं कि हम लोग अगर सिर्फ ए के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, ए के साथ कंपेयर किया तो ये आया आरटी बाई एनएच टू द पावर। तो पहले हम लोग जो बोलते हैं कि ये चीज, ये जो एडेनियस कांस्टेंट है ये किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ये इसका लिए पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन अभी हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला सिर्फ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एंट्रोपी अगर ज्यादा होगा तो इसका ये भी बढ़ेगा और एंट्रोपी कम होगा तो ये भी कम होगा। अभी इसके ये तो बढ़ गया लेकिन अभी हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि हम लोग एक डेल्टा, ये डेल्टा एस तो अभी निकल गया, अभी हम लोगों को निकलना है कि ये कैसे आएगा। ये देखने के लिए फिर से हम लोग वो पुराना वाले में जाते हैं, पुराना वाला क्या देगा, ये कंपाउंड है ये रिएक्शन में और अभी आरटी बाई एनएच ई टू द पावर डेल्टा ए स्टार बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा ए स्टार बाई आरटी। तो अभी एक चीज है, ये डेल्टा एस फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन, ये डेल्टा एस तो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है और फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा एच भी कॉन्स्टेंट होता है फॉर ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी बाई एन एच ई टू द पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर इंटू टी इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी। ठीक है, ये वाला एक हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग इसके साथ एलेन के ले लेते हैं, एलेन मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा, एलेन के एलेन ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा एनएच प्लस डेल्टा एस स्टार बाय आर प्लस एलेन टी माइनस डेल्टा एच स्टार बाय आरटी। ये वाला अभी हम लोग जब एलेन ले लिया, इसका जब नेचुरल लॉग ले लिया तो ये वाला आ गया। अभी क्या किया, वो जो पहले वाला जो एडेनियस इक्वेशन है उसको हम लोगों ने, वो तो ये था के इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आरटी, इसका भी हम लोग नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा, एलेन ए माइनस ये बाय आठ। तो इसको हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब हम लोगों को निकलना होगा डी एल एन के बाई डी, ये
हम लोगों को दोनों स्टेप के लिए निकलना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों ने पहले स्टेप के लिए किया तो क्या आएगा, ln k dt, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के लिए। अभी आ गया माइनस रहेगा उसमें, वो क्या देगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, वो बनेगा ea by rt square, ये हो गया पहले वाले के लिए। अभी हम लोग दूसरे वाले के लिए देखते हैं, नंबर टू इक्वेशन। नंबर टू इक्वेशन में अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो वही सेम आएगा ln k del t, तो ये वाला क्या देगा जीरो, ये वाला क्या देगा जीरो, अभी ये देगा वन बाय टी, और अभी ये क्या देगा प्लस डेल्टा एच स्टार आरटी स्क्वायर। तो अभी हम लोग इक्वेशन वन और टू ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जब इसको इक्वेट कर दिया ये बाय आरटी स्क्वायर, ठीक है, वन बाय टी प्लस डेल्टा एच स्टार, तो अभी ये वाला इक्वेशन आ गया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोगों को, तो निकलना है सिर्फ ये वाला, तो इसको लेके नीचे वाले को ए बाय आरटी स्क्वायर, इसको भी हम लोग ले लेते हैं आरटी स्क्वायर, इधर क्या आएगा आरटी प्लस हो गया ये रिएक्शन चेंज। अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग ये दोनों को काट देते हैं, ये दोनों को काटने से क्या होगा, और हम जब मैं एक स्टेप जाम करके ये लिख रही हूं प्लस आरटी इक्वल टू ई, तो मतलब ये क्या बनेगा ये, तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद इधर तो पहले से ही था इसका जो वैल्यू वो तो डेल्टा स्टार बाय आर ए इनटू एन एच बाय आर टी, इससे तो हम लोग ये एंट्रोपी भी निकल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये स्टेट थ्योरी से हम लोग कोई भी जो रिएक्शन होगा उसका जो ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड स्टेट होगा वो एक्टिवेटेड स्टेट के जो एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज वो हम लोग देख सकते हैं, और एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के ऊपर डिपेंड करके वो रिएक्शन कितना फिजिबल है और इसका पॉसिबिलिटी कितना है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला रिएक्शन पता चल गया, तो अभी जितना आरटी के ऊपर डिपेंड करके डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, लेकिन अभी डेल्टा ई इतना जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका मतलब डेल्टा एच भी ज्यादा होगा, ये भी हम लोग इधर से देख सकते हैं। तो ये गया पूरा जो रिलेशन था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में और एक चीज आता है कि इसके रिएक्शन में जो इसका एब्सोल्यूट रिएक्शन स्टेट और एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट ये वाला भी हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, वो भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके। और ये वाला पूरा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का पूरा थ्योरी चला गया। अभी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से और एक थ्योरी के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, वो थ्योरी है कोलिशन थ्योरी। तो कोलिशन थ्योरी में हम लोग क्या जाने थे, कोलिशन थ्योरी में हम लोग ऐसे जाने थे कि पहले जो दो मॉलिक्यूल है उस दोनों के बीच कोलिशन हो रहा है, उसके बाद कोलिशन के ऊपर डिपेंड करके वो जो जितना एनर्जी दिया गया उसके ऊपर डिपेंड करके वो ऊपर में जा रहा है अपर एनर्जी स्टेट में, उधर कुछ मेकेनिज्म में चेंज हो रहा है या ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट बढ़ रहा है। लेकिन वो थ्योरी देने के लिए उसका जो रिएक्शन रेट था वो ऐसे दिया गया था,
ये तो ऐसे एडिनियस कॉन्स्टेंट है, ये है जो है, और ये है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसलिए दिया गया क्योंकि बोला गया था कि जितना मॉलिक्यूल ब्राउन स्टेट में है वो सब ये वाला इसके अंदर डिपेंड करके वो ऊपर में नहीं जाता है, क्योंकि ऊपर में जाने के लिए कोई ओरिएंटेशन की जरूरत होता है। तो जो वो जो ओरिएंटेशन है उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको देके हम लोग ऐसे ही प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिटरमिन किए थे। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर का डिटरमिनेशन का कोई साइंटिफिक और बेसिकली मैथमेटिकल कोई वैल्यू नहीं था। तो अभी अगर हम लोग ये दोनों को, मतलब ये वाला रिएक्शन, ये वाला इक्वेशन के साथ हम लोग अगर ये वाला इक्वेशन कंसीडर करें कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का रिएक्शन है आरटी बाई एन एच ई टू द पावर डेल्टा स्टार बाई आरटी बाई आर ई टू द पावर माइनस ये माइनस आर टी बाई टी बाई आर टी। तो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन को कंसीडर करके सिर्फ ये पार्ट देखते हैं तो एक चीज पता चलता है कि ये जो ओरिएंटेशन और जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये आता है ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है एंट्रोपी। तो अभी इसका बेस पता चल गया हम लोगों को। और एक चीज है जो कोलिशन थ्योरी के ऊपर इससे बेटर है कि कोलिशन थ्योरी में बोला गया था कि मॉलिक्यूल हमेशा बाई मॉलिक्यूलर होना चाहिए या दो मॉलिक्यूल हमेशा इन्वॉल्व होना ही चाहिए। लेकिन इधर ये स्टेट, ये जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है ये हमेशा बोलता है कि ऐसा जरूरत नहीं है कि इसको दो मॉलिक्यूल में जाना चाहिए, कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल भी अपना हायर स्टेट में जाके कोई और रिएक्शन दे सकता है। तो उसमें कैसा आएगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें हायर स्टेट में जाता है और प्रोडक्ट देता है, ऐसा रिएक्शन भी हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके बोलते हैं। ये एक बहुत फायदेमंद है कंपैरिजन टू द कोलिशन स्टेट थ्योरी। और तो ये वाला पूरा हो गया अपना कोलिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ऊपर। तो अभी जो इसका जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत हाइड्रोजन और गैसियस फेज और सॉल्यूशन फेज बहुत कुछ में लगता है, उसके लिए और एक चैप्टर की जरूरत होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।